तो दोस्तों, इसके पहले वाला जो बॉस मीटर आया था उसमें हार के बाद अब शायद ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर की जनता जो है थोड़ा सा फॉर्म में आ गई है। और ये बार तो भाई बॉस मीटर का मीटर ही फेल कर दिया है इन लोगों ने, उस तरीके से जिताया है। अगर कैसे हुआ ये और कैसे पॉसिबल हो पाया उस पर भी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांगो। को बता दें कि इसके पहले जो बॉस मीटर आउट हुआ था उसमें नाम आखिरी की बात कर रहा हूँ, मैं आखिरी दो लोगों का नाम आके फंस गया था। एक नाम था अनुराग और एक नाम था मुनव्वर फारूकी। और जिसके बाद अनुराग जो है पहला बॉस मीटर जीते, लेकिन उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड और पीछे का जो रीजन था वो एल्विश यादव बताए गए थे, क्योंकि एल्विश ने स्टोरी लगा के अनुराग को सपोर्ट किया और उसके बाद खुद भी कमेंट किया हैशटैग अनुराग इज द बॉस। तो ये जो कमेंट्स थे, ये जो स्टोरी लगाने वाली बात थी, वहां से अनुराग के फैंस को थोड़ा सा बूस्ट मिला। कुछ एल्विश के फैंस ने आके भी बाहू भैया को यानी कि अनुराग डोभाल को सपोर्ट किया और इसी वजह से ये पार्ट जो है इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देखा। लेकिन इस बार बॉस मीटर में अनुराग का तो नाम नहीं था, लेकिन बाकी कुछ लोगों के नाम थे और जिसमें से एक नाम मुनव्वर का भी था। और भाई पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो मुनव्वर इस समय बॉस मीटर जीत चुके हैं और यही उनकी सबसे तगड़ी जीत है यहाँ पे। और ये पूरा पॉसिबल हो पाया मुनव्वर की जनता की वजह से और बाहर जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वजह से। और साथ ही साथ कल जब करण कुंद्रा ने बात बोली कि मैं तो मुनव्वर को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को एक क्लियर विजन मिल गया कि भाई बॉस मीटर में किसको जिताना चाहिए। फिलहाल अपने बॉस मीटर का रिजल्ट देख लिया, मुनव्वर जीत चुके हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।